आज बनाते हैं हक्का नूडल्स। तो हक्का नूडल्स बनाने के लिए मैंने लिया एक पैकेट हक्का नूडल्स का। तो दोस्तों 150 ग्राम हक्का नूडल्स के अंदर मैंने 2 ग्लास पानी डाला, 1 टीस्पून ऑयल डाला, 1 टीस्पून नमक डाला और उसको अच्छी तरह से बॉईल होने दिया। साथ ही मैंने काट दिए वेजेस, स्वीट कॉर्न, ऑनियन, कैप्सिकम, कैरेट और बीट्स। अब एक कढ़ाई के अंदर 4 टीस्पून कुकिंग ऑयल को हीट करेंगे, उसके बाद डालेंगे इसके अंदर जूलियन ऑफ गार्लिक और उसको थोड़ा सा कुक करेंगे। अब डालेंगे स्लाइस करा हुआ एक अनियन, साथ ही के अंदर इसके अंदर डालेंगे कैरेट्स, उसी के साथ डालेंगे बीन्स और इनको क्रंची रहने देंगे। अब डालेंगे इसके अंदर कैप्सिकम और उसको भी सॉटे कर देंगे। अब डालेंगे 1 टीस्पून नमक, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, इसी के साथ इसके अंदर डालेंगे पेरी पेरी मसाला। अब एक बाउल लेंगे, उसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून सोया सॉस और साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून विनेगर और 2 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस और 1 टीस्पून टमाटो केचप और 2 टीस्पून वाटर और एक मिक्सचर तैयार हो गया सॉस का। इसको करेंगे मिक्स, इसी को मिक्सचर को डाल देंगे हम अपनी वेजेस के अंदर और इसको कुक करेंगे। बॉईल करी हुई नूडल्स को डाल देंगे, तो साथ ही में करेंगे कुक और इसके अंदर डालेंगे ऑरिगेनो, 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो, इसको करेंगे मिक्स और मिनटों में ही रेडी है हक्का नूडल्स, स्ट्रीट स्टाइल हक्का नूडल्स। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो अपने घर के अंदर ट्राई करो और रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ईशाज लाइफस्टाइल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मेनी मोर टू कम।